हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमर कुकिंग स्टूडियो। आज हम बनाएंगे पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी। जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं वाइल्ड पोटैटोस, अनियन फाइनली चॉप्ड, कोरिएंडर लीव्स इसे भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है, और एक कटोरी सूजी। इससे आज हम बनाएंगे कटलेट्स। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू को मैंने यहाँ पर अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फाइन चॉप्ड अनियंस, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें करियंडर लीव्स, धनिया इसे भी हमने फाइनली चॉप किया हुआ है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी हम कटलेट्स में बाइंडिंग के लिए डालेंगे। हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्स यूज नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सूजी के लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, रेड चिली पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। थोड़ा सा हम डालेंगे अमचूर पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालकर इसे अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम शेप देंगे इसे। उसके लिए हम मिक्सर को थोड़ा सा अपने हाथों में लेंगे और राउंड राउंड करके इसे ऐसे ओवल शेप में राउंड राउंड कर लेंगे। अब हम इसे सूजी में कोट करेंगे। आप यहाँ पर सूजी की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये आलू के कटलेट्स सूजी में ही बनाएंगे। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम एक और कटलेट्स बना करके रेडी कर लेंगे। ओवल शेप देंगे इसे। देखिए, दोनों साइड से इसे ऐसे कर देंगे और सूजी में इसे कोट कर लेंगे। अच्छे से कोट करने के बाद इसी तरह से हम इस मिक्सर के सभी कटलेट्स बना करके रेडी कर लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटलेट्स। ध्यान रखें कि इसे धीरे से डालें। जितनी आपकी कढ़ाई में कटलेट्स आए उतने ही डालें, ज्यादा मत डालें। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इन्हें हल्का हल्का पलट देंगे। हमने इनको सभी तरफ से पलट दिया है। देखिए, सभी तरफ से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सेकंड बैच भी रेडी कर लेंगे। हमने सभी कटलेट्स को फ्राई कर लिया है और प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इन्हें सर्व कटलेट्स को मैंने एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है। इसे मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप अपनी कोई भी मनपसंद सॉस के साथ इसे खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे पोटैटो कटलेट्स बनके रेडी हुए हैं। ऊपर से इनका टेक्सचर देखिए, सूजी की वजह से ये टेक्सचर आया है, ब्रेड क्रम से ये टेक्सचर नहीं आता। देखिए ये ऊपर से कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। अंदर से देखिए ये इनका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी आज की
पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।